हैप्पी होली एवरीवन। रूही भी हैप्पी होली बोल रही है सभी को। तो चलो, रूही का फोटोशूट कंप्लीट हो गया है। एवरीवन गुड इवनिंग। सो देखो, अभी हम घर जाने वाले हैं, शाम होने को है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सो देखो, कल एक ड्रेस लिया है, तो मैं जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी ननंद आई थी एंड मेरी ननंद की एक बेटी भी आई थी, तो उसके लिए जो है मेरी मम्मी ने ड्रेस खरीदने के लिए बोला था, तो उसी लिए गए थे हम शॉपिंग के लिए। और भी बहुत कुछ लिया है। अभी देखो रूही मस्ती कर रही है, तो ये वाला ड्रेस रूही के लिए ले लिया है, मतलब मेरी ननंद की बेटी के लिए भी लिया है, तो पसंद आया था ये वाला ड्रेस बहुत, तो इसलिए सोचा कि रूही के लिए भी एक ले लेती हूँ। एंड अभी देखो ये ड्रेस उसे पहना भी दिया है, क्योंकि रूही का दूसरा ड्रेस अभी यहाँ पे है नहीं, एंड जो भी है वो बहुत ही हेवी वाला ड्रेस है, तो वो अभी रूही मतलब उसे पहन के उसे इरिटेट फील होता है, तो इसलिए सोचा कि ये वाला सॉफ्ट है तो ये पहना के लेके जाती हूँ। तो अभी देखो वो अपनी मामी के साथ खेल रही है और थोड़ी देर में ही हम चले जाएंगे घर। एंड हमारी रूही की बहुत ही अच्छी हैबिट है कि वो सभी के साथ घुल मिल जाती है, किसी को देख के ऐसे रोना धोना स्टार्ट नहीं करती। एंड इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि हमेशा मुझे टेंशन नहीं रहती कि रूही किसी के पास दूंगी तो रोएगी या ये, उस बात की टेंशन नहीं रहती। मैं भी थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकती हूँ। आपको बात करना है। सो रूही की मामी और मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि रूही ही बात करेगी, मुझे नहीं बोलने देगी, तो सोचा था कि कल रूही का फोटोशूट करेंगे यहाँ पे, बट आज जाना पड़ रहा है, तो देखते हैं घर जाके करना होता है या नहीं। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो देखो, कल हम घर आ गए थे रूही की नानी के वास से, है ना। तो अभी सुबह के टाइम हो रहा है, 7 बज चुका है, तो चलो अभी उठते हैं। जस्ट हमारी नींद खुली है एंड अभी रूही का प्ले टाइम है, वो भी खेलने वाली है बहुत टाइम तक। नींद से उठते ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो कल तो कंटिन्यू करना नहीं हुआ, तो सोचा कि आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एंड सुबह उठ के रूही क्या करती है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो रूही का आज मूड पे डिपेंड रहता है सब। आज देखो उसका खेलने का मूड है, तो आज बहुत टाइम तक खेलेगी, और कभी उसे घूमने का मूड होता है, कभी उसको भूख लगती है एंड कभी उसे जो है क्या बोलूँ, मतलब उसके मूड के ऊपर वो, उसके हैबिट चेंज होते रहता है, वो डेली सेम चीज़ें नहीं करती है। एंड कभी कभी पापा के साथ खेलती है, जैसा कि आज देखो पापा के साथ खेल रही थी, और जैसे ही मैं मोबाइल ऑन कर रही थी वैसे वो चुप हो जा रही थी और मोबाइल की तरफ ही देख रही थी। तो रूही की हैबिट है, अगर मोबाइल चालू करो उसके सामने तो वो मोबाइल की तरफ देखती है, ऑब्वियसली उसे पहले से ही हैबिट हो चुकी है। तो अभी देखो उसके पापा के साथ वो खेल रही है, मैंने उसका ड्रेस भी चेंज कर दिया है, और अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, तो चाय वगैरह पी के फिर आज रूही का फोटो शूट करेंगे। पूरा डेकोरेट खराब कर रही है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो चाहिए, ठीक है ले ले, मैं दूसरा दे देती हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज द होली ड्रेस। कितना सारा टाइम लेके मैंने यहाँ पे डेकोर किया है, एंड रूही पूरा उसका कबाड़ा बना रही है, तो कोई नहीं, बच्चों के मूड के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब उनके मूड के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं उसे खेलने दे रही थी, अदरवाइज़ अगर रोकूंगी तो वो रोना स्टार्ट कर देगी। फिर पता चला कि फ़ोटोशूट ही नहीं हुआ। एंड ये देखो रूही का होली का ड्रेस, ब्लू डेनिम के ऊपर ये वाइट टॉप, बहुत ही प्यारी लगेगी रूही। एंड आप भी देखो कि कैसी दिखती है।
हैप्पी होली एवरीवन। रूही भी हैप्पी होली बोल रही है सभी को। तो चलो, रूही का फोटोशूट कंप्लीट हो गया है, हो गया है कंप्लीट रूही का फोटोशूट। ये रूही ने फर्स्ट होली खेला है ना, उठना है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ उसके ड्रेस के ऊपर से ही मैंने ये वाला पहना लिया। हाँ, है अभी ठीक हो गया। तो चलो हम चेंज करके आते हैं, चेंज करके क्या आते हैं, बस ऊपर का ही निकालना है। रुको, ये निकाल देती हूँ, ये निकाल देती हूँ मम्मा, हाँ ये निकाल देती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ये होली के एक दिन पहले का ब्लॉग देख रहे हो आप, एंड होली के दिन क्या क्या किया है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख पाओगे। तो अभी देखो रूही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, उसे नींद नहीं आ रही है शायद से। तो उसे सुलाने की बहुत कोशिश किया था मैंने आधा घंटा, ताकि वो अच्छे से सो जाए फिर अच्छे से फ़ोटो ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं सोई। तो अच्छे से फ़ोटो निकालना हो भी गया है, बट अभी उसे नींद आ रही है। उसका ड्रेस चेंज करके सबसे पहले तो उसका फेस वॉश करना है, क्योंकि गुलाल उसके फेस पे लगा है अभी भी, एंड गुलाल से किसी किसी को एलर्जी भी होती है। तो मुझे नहीं पता रूही को क्या होगा, बट हाँ मैं अभी बता रही हूँ कि रूही को बाद में उसकी पूरी बॉडी हीट हो रही थी, जैसा कि मुझे भी होता है, मतलब गुलाल लगाने के बाद बॉडी हीट हो जाती है, मतलब बुखार आने जैसा लगता है मुझे। तो शायद रूही को भी सेम प्रॉब्लम है। तो देखो अभी उसका चेंज कर दिया है एंड फेस भी वॉश कर लिया है, अभी उसे सुला दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल के होली वाले ब्लॉग में।